फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये मेंस पेपर वन में सोशल साइंस उस सिलेबस के टॉपिक आपको पता होना चाहिए वहाँ पर आपने पढ़ना है कम्युनलिज्म रीजनलिज्म सेक्युलरिज्म सोशल एम्पावरमेंट पॉवर्टी पॉपुलेशन डेवलपमेंट सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन इसके आसपास के प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न 2019 की मीन्स पेपर वन के अंदर भी पूछे गए एक तो इंडियन सोसाइटी यूनिक कैसे है क्या सेक्युलरिज्म के चलते हमारी कल्चरल प्रैक्टिस को खतरा आ रहा है क्या पूरे भारत में स्मॉल इंडिया के अलग अलग कल्चरल पॉकेट्स देखने को मिलते हैं क्या ग्लोबल आइडेंटिटी के चलते हमारी लोकल आइडेंटिटी खत्म हो रही है महिलाओं का सशक्तिकरण किया तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं हाउ वो एक्सप्लेन करना था एंड लास्टली भारतीय महिलाओं के सामने थ्रू आउट द टाइम एंड हिस्ट्री कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे थे सो वन बाय वन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस सो स्टार्टिंग विद the फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन was लाइक like दिस What मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर डिस्कस क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है चर्चा कीजिए 10 मार्क्स 150 words. वर्ड्स इस प्रकार के प्रश्न पहले भी मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं 2015 में पूछा गया कि कोई भी चार कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी की आप चर्चा करिए सेवनटीन में पूछा गया कि ये स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव वो इंडियन सोसाइटी में कैसे महत्वपूर्ण है टू थाउजेंड सेवेंटीन में ये भी पूछा गया कि रीजन्स फॉर्म कल्चरल यूनिट्स रादर दैन स्टेट्स उसका क्या मसला है एंड देन टू थाउजेंड एटीन में पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन के चलते कल्चरल होमोजेनाइजेशन होता है और एट द सेम टाइम इंडियन सोसाइटी का उस पर क्या असर है सो दो थिंग्स वे लास्ट नाउ प्रेजेंटली इन टू थाउजेंड नाइनटीन से एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि अगर कोई चाइनीज़ परिवार जो चाइना के अंदर ऐसे शादी करते होंगे ट्रेडिशनल उनके रीति रिवाज और पोशाक पहन के अगर वो यू में चले जाएंगे तो अमेरिकन सिस्टम से शादी करेंगे वैसे सूट और टाई और वेडिंग गाउन और जो भी अमेरिकन क्रिश्चन टाइप ऑफ थिंग्स हैं लेकिन आप पाएंगे कि अगर कोई इंडियन फैमिली यू में भी गया है तो भी वो शादी तो इंडियन स्टाइल से ही करेंगे सो दैट मीन्स इंडियन सोसाइटी इज़ यूनिक इन प्रिजर्विंग इट्स कल्चर बाकी सब लोग हो सकता है वेस्टर्न को अडॉप्ट कर ले बट भारत के अंदर हम लोग अभी भी अपनी भारतीयता को बनाए रखे हुए हैं विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो आउट इन अवर डॉर्स पोरा एन एन आर आई कम्यूनिटी तो इसके क्या यूनिक फीचर हैं और ऐसा क्यों हो रहा है उसकी आपने चर्चा करनी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आप कल्चर क्योंकि इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर ऐसा एक टॉपिक्स स्पेसिफिकली सिलेबस में, में मेंशन है तो आपने पहले से ही उसके कुछ इंट्रोडक्शन टेम्पलेट रेडी करके रखने चाहिए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इंडिया यूनिक सोसाइटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी भाषा इतने समूह है ये वो करके तैयार तीन चार स्टेटमेंट होने चाहिए उसके बाद बॉडी के अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे कि भारतीय सोसाइटी यूनिक कैसे अपना कल्चर क्यों प्रिजर्व कर पाती है बिकॉज वी हैव अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड एंड देन मूवीज़ उसका भी भारत की सोसाइटी पर इंफ्लुएंस रहता है रीजन और रिलीजन और कास्ट सिस्टम भी हमारी ऐसी है जो अलग अलग हो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए प्रयत्न करती है होमोजिनाइजेशन से वो दूर रखती है हमें रिस्पेक्ट फॉर वेमेन एंड रीजनल लैंग्वेजेस उसके अंदर भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारे प्रांतीय भाषाओं को भी स्टेटस दिया है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए सरकार से मदद मिलती है तो एज अ रिजल्ट उनका यूनिक कल्चर लिटरेचर लैंग्वेज सॉन्ग्स मूवीज uh, वो सब प्रिजर्व हो पाता है एंटायर सोसाइटी एंड देन कंक्लूजन यस इंडियन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज ऑफ अवर मैं रीजन वी हैव बीन एबल टू प्रिजर्व अवर कल्चर सो लेट एस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू द ओरिजिन ऑफ अवर सोसाइटी एंड कल्चर ये तीन चार स्टेटमेंट मैंने एनसीआरटी से ही कॉपी किए हैं और बस वही आप पढ़िए तो टेम्पलेट तो बन जाता है अपना इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ अ डायवर्स फिजिकल एंड सोशल एन्वायरमेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रेशियल स्टॉक्स एथनिक बैकग्राउंड्स एंड रिलीजियस बिलीव्स हैव सेटल डाउन हियर, उनकी फूड हैबिट ड्रेस पैटर्न लैंग्वेज वो सब अलग अलग है अगर आप कोई वेस्टर्न कंट्री में देखें, फ्रांस देखो ब्रिटेन देखो या यू तो इंटरनल जो भी उनकी डाइवर्सिटी होगी धीरे धीरे वो लॉस्ट हो जाती है उसका होमोजिनाइजेशन हो जाता है अमेरिकन कल्चर फ्रेंच कल्चर ऐसा हो जाता है नहीं कि उसमें ये ज्ञाती और ये कास्ट के ये प्रकार के कल्चर एंड ऑल ऑफ दैम मूव टूवर्ड्स मेट्रोपोलिटन टाइप ऑफ अर्बन कल्चर लेकिन इंडिया के अंदर हम पाते हैं कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी अभी भी बरकरार है कम्युनिटी वाइज देखो स्टेट वाइज देखो लॉट ऑफ फीचर्स आर सीन तो ये इंट्रोडक्टरी टेम्परेट हो गया अब आप जाकर बॉडी में अलग अलग पार्ट्स मेंशन करेंगे कि कैसे ये यूनिक है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर देर आर नंबर ऑफ प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड कल्चरल डाइवर्सिटी चाहे ईद हो क्रिसमस गुरु नानक जयंती उसमें से बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जहाँ पर सरकार पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करती है इवन फॉर माइनॉरिटी रिलीजन्स तो लोग अपने ही कल्चर को प्रिजर्व कर पाते हैं पीपल ऑल्सो ग्रांट विशिज टू द फ्रेंड्स एंड कलीग्स बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन आप पाएंगे रथ यात्रा गणेश चतुर्थी दुर्गा पूजा ये सब हिंदू त्यौहार है लेकिन वहाँ पर भी अगर उसका प्रोसेशन रथ यात्रा किसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में से जाता है देन मुस्लिम ब्रदर्स ओपन हार्टेडली वेलकम दी प्रोसेशन एंड ऑफर देम विथ फ्लावर वाटर एंड फूड उसको इस्ते करते हैं और उसका उसके अंदर इवेंट मैनेजमेंट में वो लोग भी मदद करते हैं पानी देंगे कुछ फूड आइटम देंगे सो इट इज़ देअर सिर्फ रेयरस्ट ऑफ रेयर केस में कभी रथ यात्रा या गणेश चतुर्थी में कोई कम्यूनल इंसिडेंट होता है सो इट अगेन शोज की कैसे सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को कल्चर को प्रिजर्व करने में पूरी सोसाइटी मदद करती है देन मूवीज मूवीज़ हैव ऑल्सो हेल्प सस्टेनिंग इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर ये 1975 में बनी थी दीवार मूवी और वहाँ पर एक थीम क्या था फिल्म का कि सेक्रीफाइस इज मेड बाय द मदर निरूपा रॉय फिर 2010 में बनी दबंग दबंग के अंदर भी देर इज अ फीचर दैट सलमान खान की मदर डिल्पल कापड़ या उसने शी इज मेकिंग सम सेक्रीफाइसिस सो सर्टिन इंडियन वैल्यूज हैव बीन चेरिश्ड सिंस द टाइम ऑफ ब्लैक एंड वाइट मूवीज चाहे रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स लव एंड सेक्रीफाइस बाय मदर राखी एंड उसका त्यौहार और बहन के लिए जो भावना होती है फैमिली वैल्यूज फ्रेंडशिप पेट्रियटिज़्म तो कोई भी शायद ही कोई ऐसी इंडियन फैमिली होगी जिस पर इस सब का असर ना हुआ हो एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सोसाइटी एज अ होल ऑन द अदर हैंड हॉलीवुड की मूवी चाहे कोई भी आप देखो सम अर्बन टाइप ऑफ आउटलुक कोई हीरो है तो उसका एक्स वाइफ है एंड देन डाइवर्स हो गए दो तीन बार एंड लाइक दैट टाइप ऑफ मारदाड़ होती है या कुछ एडल्ट्री और ऐसे uh, टाइप के सीन होते हैं सो दे दे आर यूजुअली डिवाइड ऑफ सच थिंग्स तो उनकी सोसाइटी के अंदर आपको फिर होमोजेनाइजेशन ऐसी अर्बन कल्चर की तरफ देखेगा ना कि ये माँ का प्यार और फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में बातें सो यस दैट ऑल्सो अफेक्ट्स एंड इट हेल्प्स प्रिजर्विंग द कल्चर एंड सोसाइटी देन रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम हैज़ ऑल्सो प्रिवेंटेड होमोजिनाइजेशन अमेरिका के अंदर आप पाएंगे कि कोई इमिग्रेंट हो चाहे जापानीज चाइनीज मैक्सिकन पर्सन वो अपनी जो भी नेटिव प्रैक्टिसज़ हैं कोई त्यौहार फेस्टिवल तो उसे कम सेलिब्रेट करेंगे लेकिन अमेरिकन फेस्टिवल को बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट करेंगे चाहे वो थैंक्स गिविंग हो हेलोविन हो या फोर्थ ऑफ जुलाई इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऐसा वो क्यों करते हैं ताकि आसपास जो उनके अमेरिकन वाइट फैमिलीज हैं वो उनको डिसअप्रूव ना करें उनको अपना uh, साथ रख के चलें सो देर ऑल ऑफ देम आर मूविंग टूवर्ड्स अमेरिकन वैल्यूज़ भारत में ऐसा नहीं है कोई दूसरे धर्म के त्यौहार देख कर सिख लोगों की बैसाखी देख कर या हिंदू लोग अपना कोई त्यौहार मनाना बंद करके वो वाला शुरू करेंगे नो दे विल रिस्पेक्ट दैट थिंग बट अपनी चीज़ पैरल चलाते रहेंगे सो इंडिया रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम इज़ यूनिक इन दैट वे सर्टेन प्रैक्टिस चाहे वो फूड क्लोथिंग मैरिज फेस्टिवल फैमिली वैल्यू हो दे विल नॉट चेंज इवन विद द राइज इन इनकम और एजुकेशन इट विल कंटिन्यू हिंदू विल नॉट इट बीफ मुस्लिम विल नॉट इट पॉर्क एंड लाइक दैट दे हैव सर्टेन थिंग्स कि वो सोसाइटी के अपने अपने कल्चर प्रिजर्व रखते हैं रिस्पेक्ट फॉर वेमेन इन इंडियन सोसाइटी दैट इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर हैदराबाद के अंदर टू थाउजेंड नाइनटीन में वेटररी डॉक्टर के ऊपर गैंगरेप और फिर उसका हत्या हो जाती है उसके बाद हिंदू एंड मुस्लिम बोथ टाइप ऑफ पीपल उस साइड बाई साइड आकर उन्होंने कैंडल मार्च प्रोटेस्ट हैदराबाद में भी किया डेली में भी किया है डिमांडिंग द क्विक जस्टिस कि उसमें कौन था विक्टिम और कौन था क्रिमिनल उसके क्या रिलीजन उसको न देखते हुए लोग आगे आए हैं एक्सेप्ट certain ट्रोल्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड सम पोलिटिकल एलिमेंट्स वो उसका कम्युनल रंग देने की कोशिश करते हैं बाकी बाय लार्ज इंडियन सोसाइटी दे आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड द सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर वीमेन इर रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन रीजनल लैंग्वेज इसका भी महत्व है 8 शेड्यूल के अंदर हमारे संविधान में ट्वेंटी टू लैंग्वेजेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट उसके अंदर सब मूवी लिटरेचर बनाने के लिए फंडिंग में पैसा देती है एंड दिस हैज़ एंश्योर्ड दैट इंडियाज रीजनल कल्चर रिमेन अलाइव ये यूएसए जैसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही अमेरिकन लोगों की सिर्फ एक इंग्लिश भाषा और इंग्लिश का लिटरेचर इंग्लिश मूवी ऐसा नहीं रीजनल चीज़ें भी बहुत चलती हैं एंड एज अ रिजल्ट इट आवर सोसाइटी हैज़ नॉट कम्प्लीटली एंजलीसाइज्ड या भारत के संदर्भ में कहें तो ऐसा नहीं कि पूरा हिंदीकरण हो गया है नो पीपल विल मेक देयर ओन मूवीज सो वी हैव रिमेन यूनिफाइड एट द सेम टाइम वी हैव कैप्ट आवर डाइवर्सिटी हम लोग छब्बीस जनवरी और पंद्रह अगस्त को भी ग्रांड सेलिब्रेशन करते हैं उस वक्त आप पाएंगे कि उसकी परेड में कल्चरल टैब्लू अलग अलग ट्रक के ऊपर वो सब गुजराती लोग गरबा गाएंगे पंजाबी लोग भागड़ा करेंगे और पूरा प्रोसेशन चलता है एंड एज अ रिजल्ट इवन यंगर जनरेशन ये सब टीवी पर देख के दे रिमेन अवेयर अबाउट देयर कल्चरल वैल्यूज़ एंड डाइवर्सिटी Then ultimately, conclusion: yes, Indian society has sustained its culture Ye, bhi diversity or culture hai, humne preserve In the present time, yes, sadly, there are some sporadic communal incidents, but none of them has greatly harmed the unity and diversity of India. Hum ek bar karar hai. And it proves that resilience of our society and its composite and secular culture, and therefore it is the duty and responsibility of every citizen to cherish and promote Indian culture. तो ऐसे पॉजिटिव नोट पर और हमने ऐसा अच्छा काम करना चाहिए यू एंड द आंसर ये बोल बच्चन टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें कोई एकदम इंजीनियरिंग टाइप प्रिसीजन से ये पॉइंट ये पॉइंट ऐसा सब नहीं लिख सकते ऐसा बोल बच्चन करके ही आपने कंक्लूजन बनाना है और ऐसे पॉजिटिव नोट पर हमने जवाब खत्म करना चाहिए फिर वहाँ पर नया लाइन ऐड नहीं करना है दैट नाउ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ काउ विजिलांटी एंड मॉब लिंचिंग इंडियन सोसाइटी इज अंडर थ्रेट ऐसा भाई आपको किसने इधर पूछा है आपको यह पूछा है भारतीय सोसाइटी यूनिक कैसे है अपनी डाइवर्सिटी और कल्चर प्रिजर्व करने के तो पॉजिटिव बात करो ये सब में आपको पूछा नहीं गया डोंट गो देर सो मिस्टेक्स इन दी आंसर ऐसे सब उल्टी पुल्टी चीज़ों में लोग घुस जाते हैं का विजीलांटिज्म मॉब लिंचिंग अगर ये प्रश्न अभी पूछा जाए तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के चलते हमारी सोसाइटी खतरे में है सो नेगेटिव असेसमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड यू ऑब्जर्व द टोन ऑफ द क्वेश्चन भारत के बारे में व्हाट इज़ यूनिकनेस अबाउट इंडियन सोसाइटी पूछा है तो फिर उसमें म्यांमार के अंदर यो रोहिंग्या मुसलमानों का प्रोसिक्यूशन हो रहा है या आईसी द्वारा यजदी कम्युनिटी का मास मर्डर किया गया था इसलिए उन देशों में उनका कल्चर प्रिजर्व नहीं हो पाया दैट मे बी करेक्ट बट वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछी गई है सो यू हैव टू राइट अबाउट इंडियाज़ कल्चर और उसकी यूनिकनेस की बात करो अगर ट्वेल्व हंड्रेड प्रश्न में कोई निबंध पूछा गया हो तो म्यांमार और आईसीस और रोहिंग्या और यजदी तक जाना है सो दिस इज़ अ कंटेम्पररी क्वेश्चन स्पान के हिसाब से मोर देन डी माइनस टू ईयर्स बहुत सारे साल के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सोच के ये लिखना था डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से ईजी सिलेबस का टॉपिक है और ऐसे चिल्लर पॉइंट तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको मिल जाएंगे लेकिन स्कोर के हिसाब से टेन में से सिक्स के आसपास लोग चलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो नेगेटिव दिशा में लिखना शुरू करते हैं जो नहीं पूछा है उसके बारे में सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर इंडियन सोसाइटी यूनिक देख लिया सेकंड क्वेश्चन सेक्युलरिज्म आप इस प्रश्न को पढ़िए आई विल जस्ट कम बैक